लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, प्रेसिडेंट गुजरात प्रदेश पूर्व सैनिक सेवा परिषद। आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं तमाम भारत के देशवासियों, गुजरात प्रदेश के देशवासियों तथा बड़ौदा के तमाम निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से आज पूरा विश्व इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और इसमें भारत वर्ष ने और तमाम राज्यों ने बढ़ चढ़ करके इस महामारी के सामने मुकाबला किया है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, समस्त पूर्व सैनिक सेवा परिषद के परिवार के द्वारा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष और गुजरात प्रदेश और बड़ौदा वासियों को इस महामारी से बचने के लिए तमाम प्रकार का उनको ये समय प्रदान करें जिससे कि इस महामारी से वो ऊपर उठ पाए। और जिस प्रकार से आज हमारे केंद्र के एंड एडवन के बीना खिमाणी और आरिफ खान ने जिस प्रकार से पिछले 5 सालों से मेरी आवाज़ सुनो पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं और इस साल इस महामारी के कारण वो नहीं कर पाए हैं, तो उसको हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद की टीम की ऑन बिहाफ ऑफ टीम के अंतर्गत मैं कर्नल अमृतलाल मकवाना प्रेसिडेंट पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुश्किलें आएंगी, आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। तो इस जो आपदा आई हुई है, इस आपदा के सामने हमें सारे बड़ौदा वासियों, तमाम गुजरात वासियों को एक होकर के इसका मुकाबला करना है। और आज के पावन दीपावली के शुभ अवसर पर फिर एक बार मैं तमाम देशवासियों को, गुजरात प्रदेश को और बड़ौदा वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाला वर्ष शुभ और मंगलमय रहे। और शुभकामनाएं, इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी बात को यहां रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय गर्वी गुजरात।